तो प्रेरणा ये बताओ कि ये जब हर बार आप हर इको स्टे आप जब विजिट करते हो, हर इको स्टे में मेन फैक्टर तो इको फ्रेंडली वो होता ही है, लेकिन वन इको स्टे से दूसरे इको स्टे कैसे वो अलग होता है, किस फैक्टर्स पे आप उसको जज करते हो, जरा बताएंगे आप? सो बेसिकली अगर आप होटल्स की बात करें तो जितने 5-star होटल है वो एक टाइप के होंगे, जितने 4-star है वो एक टाइप के होंगे, लेकिन अगर हमारे इको स्टेज की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर लोकेशन, कोई माउंटेन के पास है, कोई रिवर के पास है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका डिफ्रेंशिएटर हो ही जाता है. उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, जो नॉर्मल होटल्स है वो सारे सेम ब्रिक और सीमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन हमारे इको स्टेज या तो मड से बने हैं या वुड से बने हैं या स्टोन से बने हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर बहुत यूनिक होता है. फिर जो भी इनके ओनर्स हैं उनका इतना डेडिकेशन होता है उस पर्टिकुलर अपने स्टे को बनाने के लिए कि उसका एक एक, अगर आप इंटीरियर देखेंगे या एक एक उसका कॉर्नर देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें कुछ ना कुछ पर्सनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो एक होटल में नहीं होता है. एक होटल एक प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड किया जाता है और उसका यूज़ होता है सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए, उससे सिर्फ बिजनेस करना होता है उस ओनर को. सो दैट्स द मेन डिफरेंस. हर फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती है हर इको स्टे में. बिल्कुल, आप हर इको स्टे में जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं यार ये वाला तो बहुत ही अलग था, ये वाला बिल्कुल ही डिफरेंट है. और ये तो मैंने सिर्फ 3 फैक्टर्स बताए, जब कोई इंसान जाता है तो वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स खुद देख लेगा वहाँ पे. वो फीलिंग्स कैसी होती है जब आप इको स्टे में जाते हैं और एक 5-star होटल में जाते हैं? सो जैसे मैं खुद अपना पर्सनली मैं शेयर अगर करूँ तो अगर मैं ताज में गई हूँ, ITC में गई हूँ या जितने भी और भी 5-star होटल्स हैं, शांग्रीला में गई थी, ये सारे अंदर से वही बड़े बड़े झूमर लगे होते हैं. उनके रूम्स में आप जाओ, बेड वो क्वीन किंग साइज बेड होगा और वो सिल्वर टाइप के उनके क्रॉकरी लगा देंगे वो. दैट्स लाइक दे कॉल दैट 5-star, प्लस दे हैव AC, दे हैव दैट कारपेट एंड ऑल. लेकिन अगर आप इको स्टे में जाओगे तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, आपको शायद ज़मीन पे बैठना भी एक 5-star से ज़्यादा अच्छा फीलिंग दे. और वो इसलिए देगा क्योंकि वो ज़मीन को आप एक उसमें इमोशनल वैल्यू होगी, उसमें एक पर्सनल टच होगा. ओके.